सभी को राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, खाटू वाले बाबा की जय। सबका भला हो तो मेरा भी भला हो, क्योंकि सबके भले में ही मेरा ही भला है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं और ऋषभ, वन्ना जी गर्मा गर्म चाय बना के लाई हैं, और मैं और मेरा बेटा ऋषभ, हम लोग मिल के मटर छील रहे हैं, क्योंकि मटर छीलेंगे भैया तभी तो वंदना जी कुछ खाना बना के हम लोगों को देंगी खाने के लिए। ना ऋषभ बेटा, बोल तो दो भाई, कुछ तो बोलो। यहाँ तो देख सकते हैं वंदना जी भी पूजा पाठ कर ली, हम भी पूजा उजा करके अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, और ऋषभ मेरा बेटा देख सकते हैं अकेले ही मटर छील रहा है। इसको मटर छीलना काफी अच्छा लगता है ना। सोनाक्षी नहीं छीलती, कहती इसमें कीड़ा निकलता, हम नहीं छीलेंगे, वो डरती है, लेकिन ऋषभ छीलता है, ऋषभ बहादुर बच्चा है। ओहो, मुस्कुरा रहा है ये। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, आप सब भी आ जाइए हमारे यहाँ चाय पीने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं गया था काम से, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गया है, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो देख सकते हैं दवा और मलहम लेके आया हूँ लगाने के लिए। ऋषभ बोल रहा है छू दूंगा, बहुत परेशान करता है। कैसे लगा? गिर गए थे। कहा? नीचे। कैसे? तो हम कहे कि दो दिन पहले मैंने बाम लगाया, मुझे ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो आज काफी तकलीफ हो रहा था। बेड पे पैर रख के क्या ये क्या है? तो थोड़ा गाड़ी में काम था, वो करवा लिया और दवा भी लेके आ गया। और यहाँ वन्ना जी देख सकते हैं, भाई साहब, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ओए होए, क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो और हमने जो पर्दे के पैसे दिए थे, वो बोला कि भैया एक घंटे में भेज दूंगा, तीन दिन हो गया, बताओ। पहले झाड़ेंगे उनको। हमने उसको बोला कोई बात नहीं, एक घंटे में नहीं भेज पाओगे, सुबह भेज देना, तो उसने तीन दिन अटका दिया। तीन दिन आपका ही गलती था, जब वो कहा कि ठीक है भेज, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल भेज देना, कोई बात नहीं, जब मन तब भेज देना। पहले पैसा दिए, वही निहाल कर दियो। हम अमित किट्टू वाला, हम होते तो बिना नहीं आते, नहीं आपकी तरह सब लोग चुतियाई पर नहीं करते वहाँ पर। मुझे यार उसके ऊपर विश्वास, लाइट भी आज के जमाने में किसी को विश्वास नहीं होता है। जैसे उन्होंने पैसा दे दिया, हमारे दो, उनका तो लाखों रुपए थे, मेरे 2000 लोग नहीं भिजवा पा रहे हैं, हो गई कुछ भी, कोई दिक्कत हुआ होगा, या तो उसको ध्यान नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, या तो उसने जो पर्ची पे एड्रेस लिखा हो, ध्यान रहता है कि ये सामान मेरा कितने का है, ये पर्दे कितने का है, वो तो ठीक है, लेकिन वो पर्ची जो नाम एड्रेस लिखा होगा, मुझे लगता है वो खो गया, कोई प्रॉब्लम तो हुई है, तभी नहीं भेज पाया है। अब वहाँ जाने भी पता चलेगा, अब वहाँ पे हम लोग चलेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम हुई है, जिसके वजह से हमारा पर्दा नहीं आ पाया। तो यहाँ निकल रहा है, गर्मा गर्म दाल चावल खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. ये देखो ऋषभ कैसे शर्मा रहा है। ऋषभ क्यों शर्मा रहा है? ऐसा लग रहा पहली बार मिल रहा है। आज इनकी फ्रेंड भेजी है भाई साहब, क्या भेजी है? हाँ यार, उस दिन तुम खाए, ये मिर्चा खा लोगी तुम? ये तीखा नहीं होता है। आ, पता है तीखा नहीं होता है। हाँ, उस दिन तो हम ऐसे ही खा गए, मेरा रोटी का तोठो, ये वाला मिर्चा तीखा नहीं होता है। सोनाक्षी सो, हम आपको आधा किलो एक दिन खरीद के दे देंगे, हमारा बनाकर दे देना, तो इससे अच्छा सीख लो कैसे बनता है। तो मेरे घर आकर बता देना, जो जो सामान लगेगा हम मंगा लेंगे सीहोर जाने से पहले, क्योंकि ना ये बना लेंगे, और आलू की भुजिया बना लेंगे, पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो दो तीन दिन रहेंगे, एक दिन तो पंडाल में ही सोएंगे। इतना क्या शर्माना? इतना ही शर्माता है, ऐसा लग रहा है पहली बार। पहली बार देखो, आपके कहना स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, फिर बाद में सब मिल जाता है, फिर तो वो आई बैगन करेगा, आलू करे आई बैगन। भूपेंद्र जोगी बहुत नाटक करता है। कई बजा जी 9:30 मैं भी खाना बना। ऋषभ कह रहा था दे देते चलोगे नहीं क्या, चलोगे नहीं क्या, गिफ्ट दे दे। सड़क टूटा मेरा तो उधर जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल। हम खुद ऐसे बता रही चढ़ चढ़ के आए, आज इसको स्कूल नहीं भेजे, इसको गुस्सा आ रहा है। लो रिटर्न गिफ्ट दे दिया, सुनामी वगैरह आ गई हो, ओले पड़े हैं ओले। देखो इनका नाम लिखा है कि
हैप्पी बर्थडे सब कुछ लिखा है यूट्यूब। ये नंबर ये मसला ये नंबर ऐसे कोरियर वाले उस दिन नंबर आ रहा था हंसी का समझ के हम ले ले। नहीं नहीं वो नंबर ना कोरियर वाले उस दिन आया था मैंने लिख दिया था तो ले जाना तो आपकी लड़की को गिफ्ट दे दिए रिटर्न गिफ्ट मिल गया। तो गर्मी का टाइम आ गया है वंदना जी ने शॉपिंग किया है। डिजाइन है डिजाइन का फर्क है और कपड़े का भी फर्क है ये कॉटन में ये जॉर्जेट में ये अस्तर में ये थोड़ा वैसा कपड़ा है बनारसी से। अब तो पहनेंगे सूट गर्मी आ गया है क्या चीज। अरे मुझे काम है संडे बहुत दूर नहीं हो जाएगा अभी फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे इसको तीन चार दिन के अंदर लेना है मुझे जाना है शादी में। मुझे जाना है 3 तारीख को। तो वंदना जी उधर अपने फ्रेंड से बात कर रही हैं और सोनाक्षी को सुबह उठ के स्कूल जाना रहता था उसको नींद आ रही थी वो सो गया है और ऋषभ सो गई है सोनाक्षी और ऋषभ काफी परेशान करता है छोटा बच्चा जान के हमको नाम जाना रे तो ऋषभ काफी परेशान करता है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ लोगों का नाम नहीं लिया कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया सबसे पहले हम आपको कमेंट करते हैं आपको रिप्लाई देते हैं आपका वीडियो देखते हैं आप मेरा नाम नहीं लिए मुझे अच्छा नहीं लगा अब से आपकी वीडियो नहीं देखेंगे आपकी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। अरे सिस्टर अरे हम सबकी वीडियो को प्यार देते हो लाइक करते हो कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की वजह से तो हम लोग हैं कि ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग देखो आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो कैसे होगा क्योंकि हम सभी का नाम लेते हैं कुछ लोगों का नाम छूट जाता है तो हम उसके लिए सॉरी भी बोले थे क्योंकि हमें लेट हो गया था ड्यूटी से आने में तो कुछ लोगों ने कमेंट किया भैया आपने मेरा नाम नहीं लिया मुझे अच्छा नहीं लगा तो आज मैंने कुछ लोगों का नाम फिर लिखा हुआ है अगर कुछ लोग छूट भी जाते हैं तो लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग ऐसा मत बोला करिए कि भैया हम आपसे नाराज है ये अच्छा नहीं लगता ना आप लोग हंसते रहा करिए मस्त रहा करिए मुस्कुराते रहा करिए ज़िंदगी में क्या है एक दूसरे से बोल लेंगे वही तो यहाँ कुछ लोगों का नाम लिखा है उससे पहले हम नाम लेते हैं उसके लिए मैंने पहले नाम लेने से पहले कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। इस टाइम किट्टू ने बोला था कि पूनम दीदी की शादी की जिम्मेदारी सारी मैं लेती हूँ तो कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से पूनम दीदी की शादी नहीं हो सकती है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। पहला प्रॉब्लम तो एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया आप लोग पूनम दीदी की शादी करवाइए शादी तो पूनम दीदी की हो जाए लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्यन आरो जब छोटे थे उस टाइम अगर शादी होती तो अच्छा था हो ही जाता अब भी हो जाएगा लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो फिर अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते उनके साथ ही रहना चाहते हैं जब छोटे थे तो उतनी समझ नहीं थी तो उस टाइम वो संभल भी जाते लेकिन एक बार हम लोगों ने बात भी किया था तो बोला भी था कि दीदी आप शादी कर लो फिर दीदी ने बोला कि नहीं आर्यन मना कर रहा है कह रहा मम्मी आप शादी मत करो आप हम लोगों के साथ ऐसे ही रहो और अच्छा भी नहीं लगता दो बच्चे हैं फिर छोड़ के अगर दोनों बच्चों को कोई अपना लेता है तो अच्छी बात है नहीं अपनाता तो फिर कैसे एक माँ अपने दोनों बच्चों को कैसे छोड़ सकती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या डिसाइड होता है अभी तो बातचीत चल रही है पूनम दीदी को हम लोग मनाने की भी कोशिश करते हैं कि आप शादी कर लो क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या डिसीजन सही है क्या गलत है उनके दो बच्चे हैं अब बड़े भी हो गए हैं जिम्मेदारी समझने लगा है आर्यन और छोटा तो अभी आरो है वो भी अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे समझने लगेगा। बाकी जो बातें अगर गलत सही अगर हमने कुछ कही हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अब हम आप लोगों का नाम ले लेते हैं क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले नाम लेते हैं रेखा जायसवाल जिन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया हुआ है। वंदना मिश्रा कानपुर से इन्होंने धमकी दिया कि भैया हम आप मेरा नाम नहीं लेते हो अब मैं आपकी वीडियो सबसे पहले देखती हूँ। अवंतिका जी योगिता चौधरी रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने भी बोला है कि भैया आप हमारा नाम नहीं लिए। अमिता सिंह इन्होंने भी नेहा बेगूसराय से इन्होंने तो धमकी दे दी 4-5 कमेंट कर करके
कि भैया आज से हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, आप हमारा नाम नहीं लेते। मैंने कई बार कमेंट किया तो सॉरी सिस्टर, क्योंकि कुछ जल्दबाजी में नाम छूट जाते हैं। तो इतने लोगों का नाम मुझे मिला हुआ जिनकी कंप्लेन आई थी, तो मैंने इतने लोगों का नाम ले लिया है। अगर किसी और का नाम रह गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में जरूर ले लेंगे। और करते हैं बाय बाय नरिशभ। अभी अभी तो और बचे हैं अनिका सी, नाम ले लिया, बताओ और नाम किसका है, बताओ जल्दी बताओ बताओ। बचा है अनिका जी, मोनिका जी, कनिका जी, टनिका जी, अनिका जी, मेनिका जी, टेनिका जी। चलिए बाय बाय, हंसी मजाक चलता रहेगा।